लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मुंबई के गोवंडी क्षेत्र की सपा नगर सेविका ने एक उद्यान को टीपू सुल्तान का नाम देने की सिफारिश की है, जिस पर हिंदू जनजागृति समिति ने कड़ा विरोध जताया है। समिति ने मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर को निवेदन देकर इसके लिए मंजूरी नहीं देने की अपील की है। हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता डॉक्टर उदय धुरी ने कहा कि टीपू सुल्तान एक बर्बर शासक था जिसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और उनका कत्लेआम किया, इसलिए उद्यान को ऐसे क्रूर शासक का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस नामकरण प्रस्ताव से विवाद गर्मा गया है। मुंबई के स्लम इलाके गोवंडी में एक उद्यान को टीपू सुल्तान का नाम प्रस्तावित करने पर बवाल मच गया है। समाजवादी पार्टी की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी ने टीपू सुल्तान को भारत का क्रांतिकारी बताते हुए उद्यान को उनका नाम देने की सिफारिश की है। हालांकि हिंदू जनजागृति समिति के पदाधिकारियों ने मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर को निवेदन देकर इसका निषेध किया है। समिति के प्रवक्ता डॉक्टर उदय धुरी ने कहा कि टीपू सुल्तान कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक बर्बर शासक था जिसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े और उनका कत्लेआम किया, इसलिए महानगर पालिका के सार्वजनिक उद्यान को ऐसे क्रूर शासक का नाम दिया जाना उचित नहीं है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। समाजवादी पक्ष की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, इन्होंने गोवंडी में एक उद्यान को टीपू सुल्तान, जो धर्मांध था, अत्याचारी था, क्रूर कर्मा था, हिंदू द्रोही था, इसका नाम देने का प्रस्ताव रखा है। इस टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में हिंदुओं के हजारों मंदिर तुड़वाए, लक्षावधि हिंदुओं की हत्या की, हमारे हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किया, तलवार के बल पर उसने अनेक हिंदुओं का धर्मांतरण किया। तो ऐसे क्रूर कर्मा, धर्मांध, हिंदू द्रोही टीपू सुल्तान का नाम, उसका उदात्तीकरण हिंदू समाज कभी सहन नहीं करेगा। महापालिका ने यह पाप नहीं करना चाहिए, ऐसी हमारी विनती है। अगर ऐसा नाम देने का प्रस्ताव पारित होता है तो आगे चलकर अकबर, बाबर, गजनी, तुगलक, इनका नाम आगे देने का प्रस्ताव आ जाएगा। इसलिए हमने मुंबई के महापौर सौ किशोरीताई पेडणेकर तथा बाजार और उद्यान समिति के उपाध्यक्ष श्री तुकाराम पाटिल, हिंदू जनजागृति समिति की ओर से इनको हमने निवेदन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।